का प्राइमरी स्टेप डाउन के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्टेप डाउन का काम क्या होता है? फर्स्ट हम लोग जो एडाप्टर वोल्टेज इन करते हैं 19.5 वोल्ट या फिर बैटरी का जो वोल्टेज रहता है 10 वोल्ट से 14 वोल्ट का बीच का, ये दोनों वोल्टेज एक जगह में आके कनेक्टेड होते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं करेंट सेंसिंग रजिस्टर या फिर V+V+। अब क्या होता है कि 19.5 वोल्ट या फिर बैटरी का जो वोल्टेज है हमेशा ये वोल्टेज हर जगह में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। लैपटॉप का डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज का ज़रूरत होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं USB पोर्ट में हम लोग को 5 वोल्ट का ज़रूरत होता है, HDMI VGA ये सारे पे 5 वोल्ट का ज़रूरत होता है। इसके बाद आ जाते हैं वाईफाई कार्ड पे 3.3 वोल्ट का ज़रूरत होता है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ता है हम लोग को प्राइमरी स्टेप डाउन। तो इस सेक्शन का बेसिकली काम हो जाता है हम लोग को जो 19.5 वोल्ट या फिर एडाप्टर का जो वोल्टेज आता है उस वोल्ट को लेके दो अलग अलग वोल्टेज में डिवाइड करना, एक हो जाता है 5 वोल्ट और एक हो जाता है 3.3 वोल्ट। तो अभी इसका हम लोग पहले ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, उसके बाद इसको हम वोल्ट पे देखेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि सिमेटिक से कैसे एक वोल्ट का स्टेप डाउन सेक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेप डाउन का जो मेन वोल्टेज है वो पावर सोर्स से आता है हम लोगों का V+V+ जो रजिस्टर होता है, जिसको हम लोग करेंट सेंसिंग रजिस्टर भी बोलते हैं, वहाँ से मेन वोल्टेज आता है। उसके बाद क्या रहता है, किसी किसी बोर्ड में एक स्टेप डाउन IC रहता है, जो क्या करता है स्टेप डाउन IC बेसिकली क्या करेगा ना 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का जो MOSFET रहता है उसका स्विचिंग को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो 19 वोल्ट डायरेक्टली आ जाता है हम लोगों का TG MOSFET का ड्रेन पिन होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का TG MOSFET, ये हो गया हम लोगों का BG MOSFET, जिसका गेट कहाँ कनेक्टेड रहता है 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट स्टेप डाउन IC के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उसके बाद इस स्विचिंग पॉइंट से क्या रहता है, एक कॉइल रहता है, इसका आउटपुट में एक या दो कैपेसिटर भी रह सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर इसको हम मान लेते हैं ये हम लोगों का 5 वोल्ट ऑलवेज का लाइन हो गया, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट के लिए भी कनेक्शन रहेगा, जिसके लिए भी एक MOSFET का यूज किया जाएगा, एक TG MOSFET रहेगा और एक BG MOSFET रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्विचिंग होके वोल्टेज का ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, इसका भी आउटपुट में एक कॉइल और एक या दो कैपेसिटर रह सकता है। अगर वो हो जाता हम लोग का 5 वोल्ट ऑलवेज, तो ये हो जाएगा हम लोग 3 वोल्ट ऑलवेज का कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेन क्या चीज पॉइंट है, यहाँ से V+V+ जो करेंट सेंसिंग रजिस्टर है वहां से एक वोल्टेज चल जाता है हम लोग का 3.3 वोल्ट का जो MOSFET है उस TG MOSFET का ड्रेन पे ये वोल्टेज आ जाता है, ये हो गया BG MOSFET। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा एक लाइन चल जाता है हम लोगों का IC में, किसी किसी बोर्ड में यहाँ पे एक रजिस्टर भी रहता है, रजिस्टर थ्रू होके यहाँ पे स्टेप डाउन IC में ये वोल्टेज आता है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन कहाँ चल जाता है, एक चल जाता है हम लोगों का 5 वोल्ट MOSFET के लिए, जो TG MOSFET रहेगा उसका ड्रेन पे इनपुट होगा और सोर्स से आउटपुट होगा। ठीक है, ये स्विचिंग पॉइंट भी IC से कनेक्टेड रहता है, इसका आउटपुट में हर सेक्शन का अलग अलग एक कॉइल रहेगा, 5 वोल्ट ऑलवेज के लिए एक अलग सा कॉइल रहेगा, 3.3 वोल्ट के लिए एक अलग सा कॉइल रहेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक बेसिक डायग्राम। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे बोर्ड पे कैसे सेक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। का मदरबोर्ड आया हुआ है, देखिए इसका मॉडल नंबर है LA6901P। ठीक है, एक मदरबोर्ड आया है, अब इसका हम लोग स्टेप डाउन सेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब इतना हम लोग को पता चल गया है कि स्टेप डाउन सेक्शन में कॉइल यूज होगा। अब देखिए बोर्ड में बहुत सारा कॉइल लगा हुआ है कि सारे जगह पे, हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का कॉइल है। इसका आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक आता है। अब देखिएगा बोर्ड में जितना भी कॉइल है ना, उस कॉइल में देखिएगा 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का जो कॉइल होगा ना, मैक्सिमम केसेस में क्या रहता है, दोनों कॉइल का जो नंबर रहता है या फिर साइज रहता है सेम रहता है। ठीक है, तो उस तरह से अगर इस बोर्ड में हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का CPU सॉकेट हो गया, CPU सॉकेट के बगल में देखिए दो दो चार कॉइल है,
लेकिन ये तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि सीपीयू सॉकेट का बगल में कभी भी 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का कॉइल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह सिमिलर देखेंगे हम लोग और कहाँ पे कॉइल है। देखिए यहाँ पे दो कॉइल है, ठीक है, ये दो कॉइल हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये हम लोगों का 3.3 वोल्ट है एंड 5 वोल्ट का कॉइल। अब हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा 3.3 वोल्ट है कौन सा 5 वोल्ट है, तो इसके लिए हम लोग सिमेटिक का भी हेल्प ले सकते हैं। अभी हम लोग सिमेटिक के थ्रू में ही देखेंगे। जैसा इस बोर्ड में देखिए हम लोग एक आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के दोनों कॉइल में से कोई एक कॉइल 3.3 का होगा और एक 5 वोल्ट का होगा। अब इसके थ्रू में हम लोग कैसे सिमेटिक को देखेंगे। देखिए इस कॉइल का बगल में एक कॉइल का नंबर लिखा हुआ है PL5, ठीक है। तो इस कॉइल का नंबर को देख के हम लोग सिमेटिक में सर्च करेंगे PL5 करके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे PL5 लिख के सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे PL5 जो कॉइल है यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये PL5 जो कॉइल है इसका देखिए यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है। यहाँ पे देखिए प्लस 5 वोल्ट ऑलवेज एक प्राइमरी वोल्टेज इसका नाम दिया गया है। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि ये हम लोगों का हो गया 5 वोल्ट का रेगुलेटिंग वाला स्विचिंग वाला कॉइल है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ट्रेस करेंगे कि कैसे इसका ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कॉइल है PL5 होगी हम लोगों का 3.3 वोल्ट का और इसके सामने में देखिए दो मॉस्फेट है। अब लैपटॉप का बोर्ड में क्या होता है कि बोथ साइड हम लोगों का सर्किट रहता है। अगर इस साइड में एक मॉस्फेट है तो इसका रिवर्स साइड में भी देखेंगे यहाँ पे मॉस्फेट एक मॉस्फेट है। तो हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं कि एक TG मॉस्फेट होगा और एक BG मॉस्फेट होगा। तब इसको हम लोग चेकिंग करते हैं। देखिए इसका मेन पावर सोर्सेस कहाँ से आएगा, V+B+ या फिर करंट सेंसिंग रजिस्टर से इसका कनेक्शन आएगा। ये हो गया हम लोगों का लैपटॉप का DC जैक और DC जैक का बगल में हम लोगों का करंट सेंसिंग रजिस्टर रहता है। तो यहाँ पे एक साइड में देख ले यहाँ पे कोई करंट सेंसिंग रजिस्टर नहीं दिख रहा है। अब हम लोग बैक साइड में देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर हम लोगों को दिखा है, ये हो गया हम लोगों का करंट सेंसिंग रजिस्टर। तो करंट सेंसिंग रजिस्टर से पहले कहाँ पे जाएगा, TG मॉस्फेट का ड्रेन पे इनपुट होगा, ठीक है। अभी इसका हम लोग कनेक्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का करंट सेंसिंग रजिस्टर। करंट सेंसिंग रजिस्टर से यहाँ पे देखिए दो मॉस्फेट है, ठीक है। ये मॉस्फेट हो गया ड्रेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मॉस्फेट का मेरे को 5 वोल्ट का मिल गया है और यहाँ पे और एक दूसरा मॉस्फेट है, इसका भी ड्रेन पे देखिए हम लोगों को बीप मिल रहा है, ठीक है। एक हो गया 3.3 वोल्ट और एक हो गया 5 वोल्ट। तो यहाँ से ये मॉस्फेट का ड्रेन पे इनपुट हुआ, फिर इसका सोर्स से आउटपुट होके BG मॉस्फेट का ड्रेन पे इनपुट होगा। अब देखिए हम लोग एक मॉस्फेट का सोर्स पे पकड़े हैं, वापस से इस मॉस्फेट का ड्रेन पे पकड़ते हैं। इस मॉस्फेट के यहाँ से यहाँ पर हम लोग को बीप मिल रहा है। ये हो गया हम लोग का 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का मॉस्फेट का ये पोर्शन हम लोग को मिल गया। अब ये BG मॉस्फेट है, इसके लिए से क्या होगा ना, इसका सोर्स हम लोग का ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। देखिए ये BG मॉस्फेट हो गया, ये हो गया 3.3 वोल्ट का मॉस्फेट, ये हो गया 5 वोल्ट का BG मॉस्फेट। देखिए इसके साथ कनेक्टेड है, ये दोनों हो गया हम लोग का एक 3.3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट का मॉस्फेट हो गया। अब देखिए हम लोग डायग्राम में देखे थे कॉइल के बाद एक कैपेसिटर रहेगा, ये 3.3 वोल्ट कॉइल के साथ देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ये हो गया 3.3 वोल्ट का कैपेसिटर और ये हो गया 5 वोल्ट का कैपेसिटर, ठीक है। अब इसका नियरेस्ट हम लोग इसका IC को देखना पड़ेगा जो इस मॉस्फेट का गेट पल्स को कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सिमेटिक में यहाँ पे देखिए एक PU2 करके IC है, ये हो गया हम लोग का 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट मॉस्फेट का जो भी गेट कंट्रोल कर रहा है स्टेप डाउन IC, ये हो गया हम लोगों का स्टेप डाउन IC। तो देखिए यहाँ पे PU2 करके लिखा हुआ है। अब इस मॉस्फेट का बगल में देखिए यहाँ पे एक IC हम लोगों को मिला है, उसका बगल में भी लिखा हुआ है ये PU2। तो यहाँ से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये हो गया हम लोगों का स्टेप डाउन का IC, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिमेटिक के हेल्प से हम लोगों को बहुत ईजिली
3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट या किसी भी सेक्शन का लैपटॉप का ढूंढने में बहुत इजी होता है। तो ये फाइनली हम लोग का हो गया, ये हम लोग का स्टेप डाउन आईसी, ये 5 वोल्ट का हो गया कॉइल, 5 वोल्ट का मॉस्फेट, 3.3 वोल्ट का कॉइल, 3.3 वोल्ट का मॉस्फेट, और ये हो गया हम लोग का आउटपुट का कैपेसिटर।